संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया है और इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने बजट सत्र की तारीखों का ऐलान भी कर दिया। इस साल भी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट और रेल बजट पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि बजट सत्र का पहला हिस्सा 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2017-18 का आम बजट पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि संसद का बजट सत्र लंबा होता है, इसीलिए दो हिस्सों में इसे बांटा गया है। सत्र का पहला हिस्सा 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा और फिर अवकाश के बाद संसद 5 मार्च को बैठेगी और सत्र का यह हिस्सा 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि अब तक बजट पेश करने की तारीख 28 फरवरी हुआ करती थी और रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन पिछले साल सरकार ने रेल और आम बजट को एक साथ पेश करने के साथ इसकी तारीख भी 1 फरवरी कर दी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का यह आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा। ऐसे में लोगों को सरकार से कई उम्मीदें हैं। इस बजट सत्र में सरकार से अर्थव्यवस्था को चुस्ती से उबारने के लिए सार्वजनिक खर्च के स्तर को बनाए रखने की उम्मीद की जा रही है। वहीं उद्योग जगत आगामी बजट में कॉरपोरेट टैक्स घटाने का रोड मैप मिलने का इंतजार कर रहा है। उद्योग संगठनों का मानना है कि आगामी बजट में सरकार को कॉरपोरेट टैक्स में कम से कम 2% की कमी करके इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार अपना पिटारा खोलकर किस किस की उम्मीद पर खरा उतर पाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।